बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर नदा के संग मैं डॉक्टर नदा हाजिर हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। आज का टॉपिक जो मैं लेकर आई हूँ, हाइपोथायरॉयडिज़म। अब थायरॉयड के बारे में हम इसमें जानेंगे और ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मर्ज उस वक्त होता है जब थायरॉयड ग्लैंड किसी वजह से अपनी जो काम मतलब थायराइड ग्लैंड किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाएं और कम मकदार में T3 और T4 बनाएं, तो थायराइड का इशू दरपेश आता है। अलामत इसकी क्या होती हैं, अब उसे जानते हैं। दरअसल अलामत होती हैं इसमें थकावट होती है, वज़न बढ़ जाता है, चेहरा हसास हो जाता है, जहन में दबाव होता है यानी जहनी दबाव, कब्ज़ होती है यानी कॉन्स्टिपेशन, सर्दी महसूस होती है, ठंड लगना यानी पसीना कम आता है, दिल की धड़कन कम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, खुश्क जल्द हो जाती है यानी ड्राई जल्द हो जाती है, और खुश्क जल्द यानी ड्राई और खुश्क पतले बाल, कमज़ोर बाल हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं यानी कम हो जाते हैं, हमारे बाल कमज़ोर हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं या जो भी आप समझ लें। हाफ़ा कमज़ोर हो जाता है यानी याददाश्त पर भी इसका असर पड़ता है, उस यानी हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं, हम भूल जाते हैं। माहवारी में भी तब्दीली महसूस होती है, उसमें भी डिस्टर्बेंस आती है यानी मेंसेस में डिस्टर्बेंस आती है औरतों को, डिफरेंट किस्म की पट्ठों की कमज़ोरी हो जाती है इसमें, इस बीमारी में पट्ठों में सख्ती भी हो जाती है और पट्ठों में दर्द भी रहने लगता है। जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों का दर्द, सख्ती, खोखलापन सा महसूस होता है। ये सारी अलामात अगर ज़ाहिर होती हैं तो आप अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर से रजू करें, और जो मेडिसिन दर से इस्तेमाल होती हैं होम्योपैथिक की, इसमें वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 सीपिया, नंबर 2 लाइकोपोडियम, नंबर 3 आयोडियम, नंबर 4 लेकेसिस, नंबर 5 कार्सिनोसिन, और नंबर 6 है ब्राइटाकार्ब। ये अपनी अलामात के मद्देनज़र यानी इन मेडिसिन को उस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा जब इनकी अलामात पेशेंट में मौजूद होंगी, उसको दर्द सेल यानी सामने रख कर मेडिसिन दी जाएगी। तो मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि अपने कंसर्न डॉक्टर से रुजू करें और मेडिसिन के हवाले से कंफर्म करें। अगर ऐसा कोई इशू आपको महसूस होता है तो फौरन इलाज बेहतर होता है इसके बरक्स कि हम बीमारी को नज़रअंदाज करें। मैं वीडियोस लेकर आती हूँ आपके लिए, मैं चाहती हूँ कि आप इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर्ड हों अपने इशूज़ के हवाले से, बीमारी को ज़्यादा ना बढ़ाएं, तकलीफ़ ना होने। तो आप मेरे इस ये कह लें कि ये मेरा अज़म है, इसमें मेरा साथ दें और लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में मेरी मदद करें, और आप प्लीज़ इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो जाएं। परेशानी, बीमारी बढ़ जाना और उसका इलाज ना होना, उससे बेहतर है कि हम लोगों को कोशिश करके अवेयर कर सकते हैं, जहाँ तक ये भी सदका जारिया है। तो आप प्लीज़ इस कॉज में मेरा साथ दीजिए, मैं आपकी शुक्रगुज़ार रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी अपनी जो मेहनत करती हूँ तो अच्छा लगे, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो होम्योपैथिक डॉक्टर्स से रुजू कीजिए, जो अपने इर्द गिर्द जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेकर ये मेडिसिन जो मैंने बताई हैं, और अगर आपको ये इशूज़ महसूस होते हैं थायराइड के हवाले से तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, बर वक्त इलाज बेहतर है टाइम वेस्ट करने से। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगी।